श्रीमती आनंद बेन यूपी के ऊर्जावान कर्मठ लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य जी, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कौशल किशोर, राज्य सरकार में मंत्री महेंद्र सिंह, रमापति शास्त्री, मुकुल बिहारी वर्मा, प्रदेश पाठक, आशुतोष टंडन, बलदेव ओला जी, श्री पलटूराम जी, मंच पर उपस्थित सभी संसद के मेरे साथीगण, सभी आदरणीय विधायकगण, जिला पंचायतों के सदस्य और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्रांतिकारियों की इस धरती ने देश के स्वतंत्रता संग्राम में अपना अमूल्य योगदान दिया। राजा देवी पक्ष सिंह, राजा कृष्ण दत्तराम और पृथ्वीपाल सिंह जैसे पराक्रमियों ने अंग्रेजी शासन से लोहा लेने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। अयोध्या में बन रहे प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर की जब जब बात होगी, बलरामपुर रियासत के महाराजा पाटेश्वरी प्रसाद सिंह के योगदान का उल्लेख जरूर होगा। बलरामपुर के लोग तो इतने पारखी है कि उन्होंने नानाजी देशमुख और अटल बिहारी वाजपेयी के रूप में दो दो भारत रत्नों को गढ़ा है, उन्हें संवारा है। साथियों, राष्ट्र निर्माताओं और राष्ट्र रक्षकों की इस धरती से मैं आज देश के उन सभी वीर योद्धाओं को भी श्रद्धांजलि दे रहा हूं जिनका 8 दिसंबर को हेलीकॉप्टर हादसे में निधन हो गया। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी का जाना हर भारत प्रेमी के लिए, हर राष्ट्र भक्त के लिए बहुत बड़ी क्षति। जनरल बिपिन रावत जी जितने जाबाज थे, देश की सेनाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जितनी मेहनत करते थे, पूरा देश उसका साक्षी रहा। एक सैनिक सिर्फ उसी समय तक सैनिक नहीं रहता जितने दिन वो सेना में रहे।